हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दिला सकता है, एज लिमिट क्या होता है इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए, और एग्ज़ाम शेड्यूल कैसा होता है, किस टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ। तो नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मोड मतलब एक कंप्यूटर में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। इन चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। इसी प्रकार से आपको 150 क्वेश्चंस पूरे टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें। और नेट की बात करते हैं तो नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो लाइफ टाइम के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जेआरएफ की बात करते हैं तो जेआरएफ जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है और आपको पीएचडी करने के लिए इसमें पर मंथ फेलोशिप दिया जाता है 30-35 हज़ार के आसपास। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो अप टू 3 ईयर्स होती है। मतलब आपका अवार्ड लेटर जिस डेट से इशू होता है उस डेट के अंदर आपको पीएचडी ज्वाइन करना होता है। और पीएचडी कंटिन्यू करते हो तो आपको मैक्सिमम 5 साल तक जेआरएफ का अमाउंट मिलते जाता है। इस प्रकार से ये यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम बेसिकली एनटीए कंडक्ट करवाती है हर साल। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। और साथ ही इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अदर कैटेगरीज को, लाइक ST SC OBC। और इसके अलावा आपका एक क्वालिफिकेशन और हो सकता है यदि आपका मास्टर्स डिग्री अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको यूजीसी नेट ये मौका देता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए 2 ईयर्स में। मतलब जिस डेट पे यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आता है उस डेट से लेकर नेक्स्ट 2 ईयर तक आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है जून में हुआ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और उसका रिज़ल्ट आया सितंबर में। सितंबर में अगर रिज़ल्ट आता है तो नेक्स्ट सितंबर के 2 साल बाद जो सितंबर आएगा उस तक आपका पूरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस प्रकार की ये क्वालिफिकेशंस हैं। और एज लिमिट की बात करें तो लास्ट ईयर इसमें कुछ एक्सटेंड हुआ था, बट 30 ईयर्स के आसपास जेआरएफ का होता है और नेट के लिए कोई एज लिमिट है। नेट किसी भी एज ग्रुप के लोग दिला सकते हैं। एग्ज़ाम सेशन की बात करते हैं तो जून सेशन और दिसंबर सेशन में 2 टाइम में एग्ज़ाम लिए जाते हैं एनटीए के द्वारा। तो जून सेशन का तो अभी चले गया है, अभी फ़िलहाल दिसंबर सेशन का स्टार्ट है। फॉर्म आप जाके फिल कर सकते हैं यूजीसी नेट एनटीए की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें टोटल 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस। तो पेपर 1 में जो है ये सबका कॉमन होता है, कॉमन पेपर होता है। और इसमें टीचिंग एंड रिसर्च ऐसे करके 10 यूनिट होते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर हुआ है उसी सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये इस प्रकार से पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, कुल मिलाकर आपका 150 क्वेश्चंस हो गए। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 यूनिट से पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 50 होते हैं, इसमें 100 होते हैं पेपर 2 में। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और इसमें 10 यूनिट्स होते हैं, 2 मार्क्स इस क्वेश्चन होते हैं और नो निगेटिव मार्किंग होती है इस पर। मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होता इस पर।
सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जो है इसमें दो टाइप से निकलते हैं, एक तो कट ऑफ दो टाइप से आते हैं इसमें, मतलब मार्क्स में आते हैं और परसेंटाइल में। तो मार्क्स में उनका आता है जिनका सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, और परसेंटाइल में उनका आता है जिनका डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो अब बात करते हैं परसेंटाइल में कैसे रिज़ल्ट आता है, तो जिनका एग्ज़ाम होता है मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में, इवनिंग में होता है उनका जो एग्ज़ाम है, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम करने के लिए, लेवल को सेम करने के लिए NTA क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन की मेथड अपनाता है, और उसमें आपके रिज़ल्ट को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका जो है रिज़ल्ट वो परसेंटाइल में आते हैं, एक तो मार्क्स में आते हैं। तो जिनका भी डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब का परसेंटाइल में आते हैं, और सिंगल शिफ्ट वाले एग्ज़ाम जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें स्टूडेंट कम होते हैं, उनका मार्क्स में रिज़ल्ट आता है। और कट ऑफ मोस्टली 50-60% के आसपास जाता है सभी सब्जेक्ट का, 55% में आपका लगभग नेट हो जाता है, 65 के आसपास आपका GRF, वो अलग अलग कैटेगरीज में वेरी करता है। फॉर्म जो है लाइव है अभी दिसंबर सेशन के लिए, और लास्ट डेट आपका 28th of October है 2023, तो आप जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक फॉर GRF।